कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। थोड़ी देर पहले वह एक टीवी चैनल पर डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। बताया जाता है कि बहस खत्म होने के कुछ ही मिनटों में तकलीफ शुरू हुई और वो बेहोश हो गए। उन्हें गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। त्यागी के निधन के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत कई नामी हस्तियों ने शोक प्रकट किया। वहीं ट्विटर पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ ट्वीट का अंबार लगने लगा। कई यूजर त्यागी की आखिरी टीवी डिबेट का वीडियो शेयर कर पात्रा को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पात्रा ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे त्यागी की तबीयत बिगड़ गई। एक और वीडियो वायरल है, जिसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि त्यागी को टीवी डिबेट के दौरान ही दिल का दौरा पड़ा था। राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर, और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है। उन्होंने वहाँ पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, CPR किया, और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली CPR स्टार्ट किया। उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया और 45 मिनट तक हमने CPR इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। CPR देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ CPR वो क्रैश कर गए। सर क्या कुछ हुआ था, क्या आप ऑब्जर्व करवा रहे हैं सर, क्या कुछ हुआ? ये इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। उस वजह से इनकी डेथ हुई। ठीक है सर, थैंक यू। पटना ब्यूरो की रिपोर्ट, ATL लाइव इंडिया।